I'm feeling really good, honestly. Chura is one of those songs जो मुझे बहुत बहुत पसंद है and ये जो पूरा music video है जो भी हो रहा था हमने बहुत मज़े किए हैं, we have had lot of fun and as usual जब भी कोई नया project आता है जो भी fans हैं वो बहुत support करते हैं, इतना motivate करते हैं and I'm very happy. Thank you so much all the fans for you know giving Chura so much love. Question is for Nick. So wedding season is coming right now. So what was the motive releasing this song in this month? In Punjab basically, मतलब सब लड़कियों का होता है कि उसको चूड़ा का ना, चूड़ा का सभी को बहुत चाह होता है, मतलब everyone in India I guess. So that's why ये motive था. थोड़ा सा delay हो गया था हमारी release में, हमने पहले release कर लेना था. तो wedding season है, मेरा पहला पैपी number है wedding song. So यही motive था कि सब लोग enjoy करें, सब लोग enjoy कर रहे हैं. So I'm very happy. I'm also very happy that ये unplanned way में delay हो गया. First पहले बहुत पहले आने वाला था, थोड़े दिन पहले, but ये delay हुआ. In fact अच्छा हुआ क्योंकि ये जो season है, दिवाली चल रही है, भाई दूज भी था, festive season, you know, there's so many festivals and then wedding season भी आ गया है. So I'm just so happy that Chura is releasing at the best perfect time. And सब लोग इतना प्यार हो रहे हैं, so everything is going superbly. So this is your first collab, I guess, right? Yeah, yes, yeah. Yes. Okay, so any further collabs? You both? Absolutely. I would love to. And Nick से मैं पहले मिली भी नहीं थी. Before this song, I met him just when we were shooting. But didn't feel like that, you know. When you are working with good people, you are working in a very good atmosphere. Bang music, जितने भी लोग हैं, they're so sweet and welcoming, so warm. So I would definitely love to collab again. We are working for the very first time अभी. और हम लोगों को shoot पे कभी भी ऐसे नहीं लगा कि हम लोगों को लगा था हम vibe कर रहे हैं. कोई shoot वाला कोई माहौल नहीं था वहाँ पे. So we are enjoying all the time. Anushka, when we saw you in the song, hi. So when we saw you in the song, you were jitna hum Anushka ko jante, we felt ki this is what Anushka is in the song also. Yeah. So how much did you felt that? That's so sweet. Thank you. I am very happy. I actually felt that. मैं कोई कैरेक्टर प्ले नहीं कर रही थी. आई वॉज जस्ट बींग माई सेल्फ इन दिस बिकॉज इतना फैमिली जो वाइब है हमारे सॉन्ग की, फैमिलीज है एंड ऑनेस्टली जितने लोग थे ना, आई वुड गिव दैट क्रेडिट टू देम बिकॉज जैसा आपका एटमॉस्फेयर होता है आप वैसे ही हो जाते हो. एक अच्छा एटमॉस्फेयर में आप जैसे अपने आप की तरह हो सकते हो. इट्स जस्ट ग्रेट, यू नो, फॉर माई कैरेक्टर ऑल्सो. माई कैरेक्टर वॉज वेरी सिमिलर टू अनुष्का, वेरी चुलबुली मस्तीखोर. So it was very nice. मतलब ऐसा लगा था मैं खुद को ही प्ले कर रही थी. मैं आई एम अटेंडिंग अ वेडिंग एंड निक है वहाँ पे और हम लोग वहाँ पे मिले हैं और ये गाना उसका और मैं लिप सिंक कर रही हूँ. और कोई प्री वेडिंग शूट होती थी जैसे, तो वी आर लाइक हम लोग अपना एंजॉय कर रहे हैं, शूट करो जो भी करना. हाँ. और हम बहुत मजे करे थे, हमने बहुत अच्छा खाना खाया, हमने बहुत डांस किए, बहुत फोटोज खींचे. आई तो फेल्ट लाइक आई वॉज लाइक अनुष्का वॉज देयर. पर अगर आपकी बात की जाए तो यू नो पंजाबी सॉन्ग्स में आजकल हिंदी का जो तड़का है वो दिया जाता है. आपने प्रॉपर एकदम पंजाबी सॉन्ग रखा, कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? मतलब अकॉर्डिंग टू माई राइटिंग, राइट, सो आई राइट लाइक जो सबको समझ आ सके, है ना. मैं जो कंपोज करता हूँ इज लाइक मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स मेरे बॉम्बे में इधर वाली साइड ज़्यादा हैं. तो मेरे को होता है कि जब भी लिखूँ, जब भी कुछ कंपोज करूँ तो सबको समझ आए, इवन वो पंजाबी है, कोई बॉम्बे रहता है, कोई बैंगलोर रहता है. सो यही चीज़ रहती है मेनली. True, because I'm a Bengali, right? And मेरे जितने पंजाबी फ्रेंड्स हैं वो इतने खुश हो गए थे क्योंकि मैं पहली बार, ये मेरा पहला म्यूजिक वीडियो है, पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आई एम प्लेइंग अ पंजाबी और वह मैं लहंगा पहनी हुई हूँ, यू नो, शरारा पहनाया हुआ है. मेरे जितने पंजाबी फ्रेंड्स हैं सब ने मुझे कॉल करके बोला तुम तो बंगाली नहीं लग रहे हो, तुम तो प्रॉपर पंजाबी लग रही हो. उसने यस अचीवमेंट. सो या यू नो मुझे यही पसंद है बीइंग एन एक्टर. यू नो माई प्रोफेशन इज सो वर्सेटाइल दैट आई गेट टू लर्न सो मच, यू नो, अलग लैंग्वेज सीखना, एक अलग कल्चर. इन इट्स अ टोटली डिफरेंट कल्चर. बंगालीज की वेडिंग्स डिफरेंट होती है, पंजाबीज की डिफरेंट होती है. सो मुझे बहुत हेल्प किया है निक ने मुझे एक एक वर्ड, लिटरली एक एक वर्ड समझाया है और मुझे बोला ये है लाइन और तुम कर लोगी, लिपसिंग कर लोगी. एंड एक दो बार सुनने के बाद जैसे निक ने कहा कि जो सॉन्ग्स वो लिखता है इट्स वेरी रिलेटेबल एंड अंडरस्टैंडेबल. इट्स नॉट कि हम लोग को डिफिकल्टी नहीं होती जिन्हें पंजाबी नहीं आती. तो मुझे बहुत ईजी लगा, मुझे सिखाया गया और मेरे को पूरी टीम ने मिल के सिखाया एंड इट वॉज सो लवली टू वर्क देयर क्योंकि सब लोग पंजाबी थे. इतनी अच्छी एनर्जी, इतनी अच्छी वाइब और सब ऐसे मैडम मैडम कर रहे थे, उन्हें भाई 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 जी कैसे ऐसे बोल रहे थे. तो इतना स्वीट माहौल था ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा.
थैंक यू. ऑनेस्टली जैसा आपने कहा सही था, क्योंकि लहंगा इज़ यूजुअली वेरी हैवी एंड मेकअप एंड हेयर एंड बहुत गर्मी थी वहाँ पे. बट ना जब मुझे मज़ा आ रहा होता है ना, व्हेन आई एम हैविंग फन, व्हेन आई एम हैविंग अ गुड टाइम, आई सॉर्ट ऑफ फॉरगेट दैट पार्ट. यू नो आई फॉरगेट कि अच्छा आई एम वेयरिंग अ हैवी लहंगा, आई फॉरगेट दैट अरे इतना हैवी गेटअप है ये वो. एंड शाउट आउट टू माई टीम, मेरी जो मेकअप हेयर टीम, स्टाइलिस्ट हर्ष खुल्लर, ही वॉज वेरी नाइस, ही हेल्प मी टू बी एज कम्फर्टेबल एज पॉसिबल. परसेप्शन ये था कि मेरे को अनुष्का की ये बात अच्छी लगती है, बहुत लिमिटेड काम करती है. सेम लाइक मी, ये बहुत लिमिटेड काम करती है. सो मैं भी बहुत लिमिटेड सा काम करता हूँ, पर जो भी होता है क्वालिटी होता है, राइट. सो मेरा, मैंने कुछ ज़्यादा कुछ नहीं सोचा था, मेरे को जैसे ये था कि दोनों एक से नेचर के बंदे काम कर रहे हैं तो बहुत कुछ अच्छा रहेगा. एंड सेट पे एज आई सेड कि हमको फील नहीं हुआ है कि हमने पहली बार हम लोग काम कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा रहा. मेरी जो परसेप्शन थी कि ये क्वालिटी काम करती है, मैं क्वालिटी काम करता हूँ, तो अभी भी वही है. सो आपने देखा होगा गाना, सो आपको वो देख के पता चल गया होगा. So do you think you are a competition from right now for the other stars at your age? Honestly, I don't believe in competition. Honestly, I believe bachpan se I've been working. It's been 10 years I've been working in this industry, and my aim is just to do good scripts, do good projects, and I want to learn more. And there's so much to learn. That's what I was saying. You know, being an actor, you can learn so much. It's a huge, versatile industry. And why to be a competition when you can do different things? You know, like I think everybody, jo bhi dusre actors hai, meri umar ke, I'm a 19-year-old. There's so many, all of my friends. I'm just talking about them. I think they are doing really good what they are doing, you know. Wo apne hisab se bahut acha kar rahe hain. I'm so proud of my friends. And I'm just trying to give my best. So yeah, that's my answer. So same question for Nick also. So you think you want creative projects or you are also like taking the competition by friend? Same with me. Main thoda competition leke chalta hoon apne saath. From the beginning, maine jo bhi kiya, अगर मैं थोड़ा सा डिले करता हूँ अपने प्रोजेक्ट्स को, जस्ट कॉज ऑफ कि मेरे को जो मैं पहले प्रोजेक्ट में दिखा होता हूँ, मेरे को अगेन वो सेम नहीं दिखना होता है ना. सो जो भी होता है, मेरा विद इन ए मंथ मेरे को प्रॉपर चीज़ें प्रिपेयर करने में लगती हैं. जैसे चूड़े में लोगों ने मेरे को देखा है, सो उससे पहले जो भी मेरी म्यूजिक वीडियोज आई हैं, किसी में मैं वैसा सा नहीं दिख रहा. तो मेरे को होता है मैं चेंज करूँ हर टाइम. तो मेरा खुद से कॉम्पिटिशन रहता है कि लाइक जो भी कर रहा है, जो पहले से था उससे बेटर होना चाहिए, तो ही है जो भी है. अनुष्का सर, शी इज अ वेरी बबली काइंड ऑफ नेचर, और वही उन्होंने पोर्ट्रे किया इस सॉन्ग में. सो आप काफी पोइज्ड कंपोज थे इसमें सॉन्ग में. सो इज दैट योर नेचर? नहीं, मेरा नेचर वैसा नहीं है. हमने मतलब बहुत ज़्यादा फन किया, ऐसा कोई सीन नहीं है. बट मेरा करेक्टर था जो है ना, जी मेरे को जैसा सा रहना था, किस लाइक इन पंजाब है ना, शी इज़ फ्रॉम बंगाल एंड बॉम्बे रहती है, मैं पंजाब में रहता हूँ. सो उधर से थोड़ा ना मम्मा पापा का डर रखना पड़ता है. सो मेरे को वो होना था भी, मेरे को गाने में लाइक कि मैं बहुत डर रहा हूँ. सो इन द एंड वी आर लाइक हाँ ठीक है, बट अब हो गया जो भी होना था. रियल में हम दोनों बबली, सेम नेचर. हम लोग अगर हमारा शॉट नहीं हो रहा तो फिर भी हम लोग मजे कर रहे हैं वहाँ पे अलग से बैठ. हाय, ओह यस, हाय. लाइक आई वुड लाइक टू आस्क यू कि अभी आपने म्यूजिक वीडियोस स्टार्ट किए हैं सब पंजाबी हैं, तो आगे क्या आप बॉलीवुड में भी अपना कदम रखना चाहेंगे, और आगे अभी प्रोजेक्ट्स हैं आपके जो आए? काफ़ी सारी चीज़ें लाइंड अप हैं, काफ़ी सारी चीज़ें. जैसे मेरा यारी रिलीज़ हुआ था, रिलेशन रिलीज़ हुआ था, उसको बहुत सारा प्यार मिला है. दे आर लाइक 300 मिलियन प्लस, राइट. सो उन पे काम चल रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें बॉलीवुड में भी कमिंग अप है. एंड लेट्स सी कब तक आता है, बात जैसे भी होगा लेट यू नो गाइस. आपको क्या डिफरेंस लगता है पंजाबी सॉन्ग्स और ये बॉलीवुड सॉन्ग्स एंड ऑल में? अकॉर्डिंग टू मी पंजाबी म्यूजिक इज लाइक है ना, जो सबको पसंद आता है. सब लोग बंदे किसी को समझ नहीं आ रहा, लेकिन वो उसके वाइब कर सकता है, राइट. बॉलीवुड इज लाइक ऑल टाइम, आप कभी भी सुन सकते हो बॉलीवुड. आपको यहाँ से लाके जो बंदा जितना मर्जी डिप्रेस है, जितना मर्जी खुश है, उसको उसके जोन में रखता है, कुछ मैटर नहीं करता. सो सेम लाइक पंजाबी म्यूजिक, कि जो भी होता है बंदा वाइब कर सकता है, उसको समझ आ रहा है नहीं आ रहा, बट दे ऑल आर वाइबिंग. आपका सॉन्ग जो थीम रहेगा लगता है कि
पार्टी सॉन्ग रहेगा जो वेडिंग सीजन है? हाँ, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दैट. मतलब मेरे आगे डांस नंबर काफी सारे आने वाले हैं. सो अभी वेडिंग वाला छूड़ा आ गया. सो जैसे जैसे चीजें फर्दर आगे होंगी सो सारी चीजें धीरे धीरे आएंगी. थैंक यू. Hi, I had one question here. This question is for Anushka. Sure. You're an influencer, you're a content creator basically. What challenges do you face when you talk about acting? Being a content creator and being so famous already on social media. Thank you so much for the question. So, it's very interesting that, you know, when I was 9, I started acting and I constantly was acting in different projects, and 5 years back I started creating my own content. I learn different things from both the, you know, industries, and I feel I'm just very blessed and lucky that I get to do both. And people know me as, you know, actor, all the roles that I've done before, and I've done really good projects, and I've worked with really talented and good directors and actors. But on the other hand, being an influencer, I get to do my own thing, you know, my own content. I am the writer, I am the cameraman, I am the one who acts in it. So it just teaches me so much. And I'm actually doing filmmaking. I'm studying right now, second year filmmaking. I'm in college right now. So it's helping me. All of these experiences, they help me a lot. Really amazing. Thank you. Also, a question for Nick. What made you choose Anushka as your co-star? I would like to know that. Tough one, right? Matlab, like, as I said, na, ki, matlab, we both work rare, right? Matlab, maine Anushka ke itne zyada music videos nahi dekhe hain, hai na? Hai na? So, matlab, main bhi thode time baad gana karta hun, kuch bhi music video karta hun, to mereko hota hai quality kaam karo. So, mereko ye tha ki rare liya aur jaise chuda apne gana suna, right? तो मेरे को था कि हम दोनों सेम नेचर के. मेरे को इसको इंस्टाग्राम को देख के भी लगता था हम लोग मिले नहीं थे. सो यही सीन था कि लाइक मेरे को लग रहा था कि हम दोनों की केमिस्ट्री बहुत जमेगी. सो मेरा मन भी था, मतलब सारी टीम का बहुत ज़्यादा मन था, क्योंकि सबको इसका कंटेंट जो भी मतलब अब तक किया है अनुष्का ने, सबको बहुत पसंद था वो. सो दैट्स व्हाई वी वांट कि अनुष्का कास्ट करेंगे इसमें.